नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष है और आप देख रहे हैं कविता बोल। आज हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है देशगान। हमारे चैनल से आप कैसे जुड़ सकते हैं ये समझने के लिए और हमारे मंथली गिवअवेज के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज की कविता में मशहूर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हमारे देश के राजनैतिक सामाजिक चरित्र को एक साहित्यिक रूप देने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ी मज़ेदार कविता के रूप में निखर कर उभरती है। तो आइए सुनते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता देशगान। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है, क्या गजब का देश है। आंख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़, आदमी भूगोल है, जी चाहा नक्शा पेश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। हैं सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, हैं सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, और हथेली डोलती दर दर बनी दरवेश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, लाख काटे जाइए जंगल हमेशा शेष है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब, होश में भी एक पूरा देश ये बेहोश है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी, खूंटियों पर ही टंगा रह जाएगा क्या आदमी, सोचता उसका नहीं ये खूंटियों का दोष है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश है। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि कविता बोल के माध्यम से अच्छी अच्छी कविताओं को देश और दुनिया में कविताएं पसंद करने वाले लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स ज्यादा से ज्यादा हों। इसलिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर कीजिए। कविता बोल के गिव अवे प्रोग्राम के तहत हम हर महीने अपने एक दर्शक को उनकी पसंदीदा किताब भेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि किताब कविताओं की ही हो, किसी भी विषय की हो सकती है, मगर किताब होनी चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखकर उन पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देनी है। वीडियोज़ हमारे वैसे ही कविताओं के बड़े छोटे छोटे होती हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप खुद भी कविताएं लिखते हैं और हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।